हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंटेंट विद प्रीत। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो लेके आई हूं मैं, वो है ब्लीच पर। तो आज हम ब्लीच लगाएंगे अपने फेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये है नेचर्स का गोल्ड ब्लीच। और इसमें आता है, अभी तो मैंने जो हाल में परचेज़ किया है उसमें मुझे ये जेल मिला है, एलोवेरा का जेल मिला है। वैसे ये जेल मिलता नहीं है कभी, तो ये मुझे मिला, ये एस्ट्रा से मिला है। तो इसके साथ होता है ये क्रीम, और क्रीम के साथ होता है स्पैचुलर के साथ मिलता है। उसके साथ एक और होता है एक्टिवेटर। तो जब मैं फ्रेंड्स ब्लीच वगैरह लेके आती हूँ घर में, तो मैं हटा देती हूँ एक्टिवेटर को, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, वो एक्टिवेटर का कुछ गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, पेरेंट्स घर में अगर नहीं होते तो बच्चे ऐसे कर सकते हैं, तो वो सेफ़ नहीं होता है बच्चों के लिए, इसलिए मैं उसको हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने बालों को बांध लूँगी अच्छे से फ्रेंड्स, ताकि कोई बाल इधर उधर ना जाए, क्योंकि अगर ये बाल अगर ब्लीच में आ जाते हैं तो ये कलर हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं, गोल्डन कलर के हो जाते हैं। इसलिए तो यहाँ पे मैंने पहले बैंड लगा लिया है, ताकि बिल्कुल इधर उधर से बाल ना आए, और अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है हिमालय का फेस वॉश। मैं उसी से फेस वॉश करती हूँ, तो मैंने वो लिया है और मैं अपने चेहरे को वॉश कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने मॉइस्चराइजर वगैरह लगा रखा है तो आप उसको फेस वॉश करके हटा सकते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चराइजर लगा है या कोई भी क्रीम लगी हुई है चेहरे पर तो ब्लीच नहीं किया जाता है। तो यहाँ मैं अच्छे से रब करके अपने फेस वॉश से हटा दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँगी, ताकि स्किन बिल्कुल भी गीली ना हो। उसके बाद मैं जो हमारा ब्लीच है हम उसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो क्रीम है उसको मैं एक बाउल में लूँगी। तो मैंने यहाँ कटोरी लिया है, मैं उसमें ले लूँगी, थोड़ी सी मात्रा में लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे बस खाली अपने फेस में लगाना है और कहीं भी नहीं लगाना है इस ब्लीच को। तो मैं कम से कम 1.5 चम्मच लूँगी। देखिए यहाँ मैंने एक स्पैचुलर से लिया है, पर आप लोग, मैं कह सकती हूँ कि 1.5 चम्मच ही होगा, 1.5 चम्मच करीब लिया है मैंने, तो उतना लेकर उसके बाद हम एक्टिवेटर लेंगे। तो एक्टिवेटर लेने में फ्रेंड्स ध्यान रखना है हम लोगों को कि एक्टिवेटर कभी भी ज़्यादा नहीं लेना है। 1.5 चम्मच है तो 1 पिंच हम लोग एक्टिवेटर रखेंगे, उसके बाद एक्टिवेटर को हटा देंगे। एक्टिवेटर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है ब्लीच में। तो देखिए यहाँ मैं हल्का सा 1 पिंच लूँगी एक्टिवेटर, बस खाली मैंने इतना लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस एक्टिवेटर को अच्छे से क्रीम में मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी क्रीम है और जो एक्टिवेटर है, ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाना चाहिए। ऐसा ना ही हो कि जो एक्टिवेटर है हमारा वो अच्छे से ना मिल सके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से एक्टिवेटर को मिला दूँगी क्रीम में, और हो सके अगर स्पैचुला से नहीं मिला पा रहे हैं या ब्रश है, ब्रश से भी मिला सकते हैं। अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो आप अपनी उंगली की हेल्प लें। तो यहाँ पे देख लिए मैंने मिला दिया है, और हम इसको अब लगाना शुरू करेंगे अपने चेहरे पर। तो मैं स्पैचुलर की मदद से लगा रही हूँ, आप लोग चाहे तो ब्रश से लगा सकते हैं, पर अभी मेरे पास ब्रश नहीं है इसलिए मैंने स्पैचुलर से लगाया है। मैं उंगलियों से भी लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं लगा रही हूँ, अपर लिप्स में ज़्यादा लगाती हूँ मैं, क्योंकि अपर लिप्स में थोड़े हेयर होते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए हमें उस एरिया पे नहीं लगाना है ब्लीच को, जहाँ पे हेयर को हमको ब्लैक ही रखना है, जैसे आईब्रो है हमारी, आईब्रो और आँखों के आसपास की जगह में नहीं लगाया जाता है ब्लीच को, ये डैमेज करता है इसलिए इसको नहीं लगाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं जहाँ दिखला रही हूँ वहाँ के बाल मेरे हम लोग चेक करेंगे, अगर वहाँ के बाल ब्राउन हो गए हैं तो आप लोग ब्लीच को हटा सकते हैं। तो मैं ब्लीच को हटा दूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, मैंने ब्लीच को हटा दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, मैंने हैंकी से ही हटाया था, और जो बाकी रह गया है हल्का फुल्का उसको मैं हैंकी से ही हटा दूँगी। आप लोग चाहे तो फेस को क्लीन कर सकते हैं प्लेन वाटर से, और उसके बाद फिर तौलिए से, सूखी तौलिए से पोंछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी तौलिए से ही हैंकी से ही हटाया है। तो फ्रेंड्स अब हो गया है मेरा ब्लीच, देख सकते हैं स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ब्लीच के बाद, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा भी लगता है
ब्लीच हो जाता है, फेशियल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ब्लीच और फेशियल हो जाए तो चेहरा और ज़्यादा खिल जाता है। तो आप लोग ब्लीच के बाद फेस पैक लगा सकते हैं। एक सेकेंड में कूलर बंद कर दूँ, कूलर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। तो आप ब्लीच के बाद चाहें तो फेस पैक लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो मैंने सोचा है मैं फेस पैक लगा लूँ, तो मैंने सोचा नहीं अभी किसी का फेस पैक लगाऊँ, क्योंकि अभी घर में क्या है देखते हैं, अभी घर में क्या है कि मैं किसी का फेस पैक लगाऊँ। टमाटर है तो टमाटर का तो फेस पैक नहीं लगाते हैं ब्लीच के बाद, किसी का फेस पैक लगाएं हम लोग। मेरे पास चंदन का फेस पैक था पर क्या बोलते हो ख़त्म हो गया है, तो अब मैं ऐसे ही सोचती हूँ ऐसे कुछ लगा लेती हूँ, देखती हूँ। या फिर मैं हनी लगा लेती हूँ, हनी सबसे अच्छा रहेगा, मैं हनी लगा लेती हूँ, वो बेटर है। आप लोगों को मेरी लिपस्टिक की शेप कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैंने ये लैक्मे की लिपस्टिक लगा रखी है, ये मैट लिपस्टिक है, हटती नहीं है बिल्कुल भी। 15 मिनट में फेस पैक लगा के रखूंगी, उसके बाद फिर मैं वॉश कर दूंगी प्लेन वाटर से। मेरी स्किन जो है ना फ्रेंड्स, कभी कभी ना बहुत बेकार हो जाती है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत बेकार हो जाती है। वैसे बिल्कुल बच्चे जैसी है, आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल बच्चे जैसी स्किन है और बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। देखिए यहाँ जो ये एरिया है ना मेरा, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा शाइन करता है। अनुजी भी बहुत ज़्यादा शाइन करती है, यहाँ पे जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है। यहाँ लगा दिया है मैंने, ये हो गया पूरा स्टिकी स्टिकी था, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। ये देखिए मेरा मन कर रहा है मैं खा भी लूँ थोड़ा सा, पर मैंने एक उंगली लगा दी तो गंदा हो गया होगा ये, इसलिए नहीं खाऊंगी। ये देखिए तो मैं अभी इसे लेती हूँ थोड़ी देर तक मसाज, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश कर दूंगी प्लेन वाटर से। बिल्कुल क्लियर स्किन है, क्रिस्टल स्किन है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स कर लिया है मैंने फेस वॉश, फेस वॉश कहते हैं फेस वॉश, पर फेस वॉश से नहीं किया है, प्लेन वाटर से किया है। तो अब हो गया है बिल्कुल ब्लीच का काम खत्म। और ये देखिए सही है ना, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अब मिलते हैं मेरे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।